बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए फ्राइड ओपन सैंडविच बना रही हूँ। ये बहुत ही यमी बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने मीडियम साइज़ की डबल रोटी ली है, आप लार्ज भी ले सकते हैं। साथ ही हमने चिकन ली है, तकरीबन 1.5 कप है, और इसको सिर्फ नमक और लहसुन डाल के मैंने बॉईल कर लिया था, पानी खुश करके रेशे कर लिया था। ब्रेड को कोट करने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, आप घर में भी रेडी कर सकते हैं, मैं आपको इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, और आप बाजार से पैनको ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 2 अंडे लिए हैं, उसमें 2 टेबलस्पून हमने दूध डाल के रखा है। इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसके अंदर फिलिंग बनाने के लिए चिकन के साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी उसमें मैंने लिया है 1.5 कप मेयोनीज, या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 4 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च है, 2 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई गाजर है, और 4 टेबल स्पून ही बारीक चॉप की हुई बंद गोभी है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1/4 टीस्पून नमक। सिर्फ सब्जी के लिए नमक चाहिए, सॉस में भी नमक है, मेयोनीज में भी नमक है, चिकन भी हमने नमक के साथ ही उबाली है, तो हमने सिर्फ सब्जियों का नमक लेना है। 1 टीस्पून लेवल करके पिसी लाल मिर्च या हसबे जायका, 1 टीस्पून लेवल करके काली मिर्च पाउडर या हसबे जायका, 1/2 टीस्पून चाट का मसाला, थोड़ा सा हमें 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर मक्खन चाहिए होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और इसको दबा दबा के हम पतला कर लेंगे। उसके बाद हम ये एक कटर लेंगे, ये बाजार में आराम से मिल जाता है, आप इसकी जगह कोई शीशे का ग्लास या मग भी ले सकते हैं। इसको इस पे रख के दबा देंगे और ये हमारी एक कचौरी सी निकल गई है बीच में से। इसी तरीके की तमाम डिस्क हम रेडी करेंगे। देखिए, ये एक और निकल गया, ये हमारी कटिंग आ गई। बस इसी तरीके से हम तमाम रेडी कर लेंगे। अब देखिए, 1 टीस्पून बिल्कुल ऑयल लेके मैंने कढ़ाई को अपनी ग्रीस कर लिया, इसमें 1 टीस्पून ही चला जाएगा बटर। मेल्ट कर लेंगे इसे, आंच मैंने इस वक्त हल्की की हुई है बिल्कुल। अब सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे अपनी तमाम सब्जियां और उन्हें हल्का हल्का सॉटे करेंगे। तो ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा फेसबुक के ऊपर, आप मुझे इसकी तस्वीर भी भेज सकते हैं और मैं आपके नाम के साथ उस तस्वीर को फेसबुक के ग्रुप के अंदर और पेज के अंदर दोनों में ऐड कर दूंगी। सब्जियों को 30-40 सेकंड मैंने सिर्फ सॉटे किया है। अब इस वक्त इसके अंदर ये मसाले चले जाएंगे, इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, साथ ही इसके अंदर चला जाएगा सिरका। मिक्स करते हैं सब चीज़ों को, और अब हम इसके अंदर चिकन भी शामिल कर देंगे। हमें सब्जियां थोड़ी सी क्रंची ही रखनी है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसके अंदर मेयोनीज मिलाएंगे। बस देखिए, ये ड्राई हो गया, मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसे मेयोनीज के साथ मिक्स करेंगे। तो अब देखिए, ये मैंने तमाम के तमाम रेडी कर लिए हैं डिस्क। अब हमने क्या करना है, एक एक डिस्क उठानी है। अंडे हमने फेंट लिए हैं, अंडे के अंदर डालना है, फौरन से इसके अंदर निकाल के फौरन से निकालना है, और निकालने के बाद हमने इसे ब्रेड क्रम्स में डालना है। फिर हमने इसके ऊपर हाथ से अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट करने हैं दोनों साइड पे। इसके बाद हमने इसे निकालना है और एक प्लेट पे रखना है,
और फिर हमने इन्हें फ्राई करना है। छोटे छोटे बैचेस बनाइएगा, तीन तीन चार चार के, और फ्राई कर करके निकालती जाइएगा और रेडी करती जाइएगा। बहुत सारे इकट्ठे बना लेंगे तो फिर वो सॉगी भी हो जाएंगे। अब देखिए ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है, और ये कितना गरम है इसको चेक करने के लिए थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालते हैं। बिल्कुल अच्छा गरम है ऑयल, और आँच जो है वो मेरी बिल्कुल स्लो पर है। एक एक हम उठाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे, और डालने के फौरन बाद जिस तरह हम कचौरी तलते हैं इस तरह हम इसे दबा दबा के तलेंगे। बस 30 सेकंड के बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ये फूला फूला सा बन गया है। असल में इस टिकिया के बीच में डबल रोटी के अंदर स्पेस बन गया है, तो बस हमने इसको इसी तरीके से फ्राई करना था ताकि इसके अंदर स्पेस बन जाए। अब हम इसे उठाएंगे, प्लेट पे रखते जाएंगे, और फिर इसे कट करके हम अपनी फिलिंग इसके अंदर भरेंगे। अब जी हमने मेयोनीज ले ली है, और इसके अंदर ये ठंडा हुआ हुआ मिक्सचर में डाल रही हूँ। छोटा लग रहा है तो मुझे प्याला चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको तमाम को मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सेरेटेड नाइफ ली, नॉर्मल नाइफ से भी कर सकते हैं, छोटी छुरी से भी कर सकते हैं। ये देखिए पूरा खुला हुआ है अंदर से, ये देखिए। तो अब छोटे चम्मच से भरेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके, ताकि ये इसे भर दिया मैंने। अब इसे भी मैं प्लेट के ऊपर रख दूंगी, और इसी तरीके से हम सारे रेडी करेंगे। तो हमारे बहुत यम्मी ओपन फ्राइड सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में उसके दोनों के लिंक्स मौजूद होते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।